अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करीम आपके और मेरे रिस्क में खैर व बरकत और वसतें अता करें। व्यूअर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ खोया सवैयाँ। ये बहुत ही सादा और बहुत ही ख़ास रेसिपी है, जिसके लिए ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो जो एक बार खाएगा वो फिर एक बार नहीं बार बार ही खाएगा। इसके टेस्ट और इसके नाम में तो खोया है, लेकिन खोया तो हमने मंगवाया ही नहीं बाज़ार से और इसमें डाला ही नहीं। बहुत ही आसान रेसिपी, तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसके लिए तकरीबन 3 किलो दूध है, ये मैंने ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था और ये देखें इसके ऊपर एक थिक सी लेयर बलाई की आ गई है। आप इसके लिए कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे पकने के लिए रख दिया और ये इसकी मलाई आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने के साथ ही तहलील हो जाएगी। 3 मैंने इसमें इलायचियाँ डाली और मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए बहुत ही लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। ये मकदार में तकरीबन 2 किलो से भी कम बचा है। इसका कलर अब तकरीबन गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें ये बारीक सवैयाँ लूँगी, उनको पैकेट में ही अच्छी तरह तोड़ लेंगे। ये पैकेट मैंने तकरीबन 150 ग्राम्स का लिया है, 150 ग्राम का। इसको तोड़ के तो हम इसे दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद आपको चम्मच ज़रूर चलाना होगा ताकि इसकी भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, जैसे कि खीर में चावलों की बन जाती हैं, इस तरह इसकी भी बन जाती हैं। इसको अच्छी तरह से स्पून से हल्के हल्के मिक्सिंग करते रहेंगे ताकि एक ही जगह जमा ना हो जाए, गुच्छा ना बन जाए, और इसे हम पकाते रहेंगे। अब ये देखेंगे अभी थोड़ा पतला है, थिन है, हमने इसे तब तक पकाना है कि ये कुछ गाढ़ा हो जाए। और ये देखें ये गाढ़ा होने शुरू हो गया। ये तकरीबन पकने के बाद जस्ट 1.5 किलो तक दूध रह जाएगा। अब इसमें मैंने शामिल की चीनी 1 कप, या आप हसबे ज़ायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया, 3 से 4 मिनट पकाया और मैंने फ्लेम कर दिया बंद। आप इसमें मज़ीद फ्लेवर के लिए 1/2 कप मज़ीद बलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फुल क्रीम दूध लिया है इसलिए मुझे बलाई की कोई ज़रूरत नहीं रही। अभी हमारी सवैयाँ तैयार हो गई हैं और मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडा होने के बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी और इसे नट्स के साथ सजाऊँगी। नट्स पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिए, मैंने इस पर किशमिश स्प्रिंकल किया और मैंने इसके बाद इस पे डाले हैं कटे हुए बादाम। मैंने इसमें बाज़ार से मंगवा के कोई खोया, बर्फ़ी, फूड कलर, फूड फ्लेवर, एसेंस, कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की, लेकिन इसका टेस्ट फिर भी लाजवाब है। खोया अलग से शामिल किए बग़ैर हमने खोए के फ्लेवर में बहुत ही लाजवाब टेस्ट में सवैयाँ तैयार की हैं। आप जिसे भी खिलाएँगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो कैसी लगी ये मेरी बहुत ही आसान रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ किसी नए फ्लेवर के साथ, किसी नए आइडिया के साथ फिर से मुलाकात होगी। ज़िबाइश चैनल से इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।